क्रैक्स लिस्ट पर अकाउंट बनाने के बाद अगला स्टेप अक्सर ये होता है कि यू एक्चुअली पोस्ट एंड ऐड ऑन क्रैक्स लिस्ट एज ए फ्रील आंसर क्रैक्स लिस्ट आप ज़्यादातर पोस्टिंग फॉर द एड यूज कर रहे होंगे और पोस्टिंग एन एड ऑन क्रैक्स लिस्ट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस जो मेन पीछे डायनेमिक्स और एलिमेंट्स uh, हैं एक एड के वो तो वही हैं कॉन्टेंट इज़ ऑलवेज द किंग तो जो कॉन्टेंट आपकी एड है वो अच्छा होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और क्लाइंट आपको वो तमाम रिक्वायरमेंट्स दे रहा होगा जिसको यूज़ करके आपने एड्स बनानी है लेकिन क्रैग लिस्ट में एड पोस्ट कैसे करनी है उस पर हम जरा ब्रीफली नज़र डालते हैं इस सेशन के अंदर जब तो अकाउंट बनाने के बाद आप क्रैग लिस्ट के मेन पेज पर पे पहुँचेंगे तो यू विल एक्चुअली सी पोस्ट टू तो क्लासीफाइड का एक लिंक होगा जिस जिसपे जब आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू तो द नेक्स्ट स्टेप कि जहाँ आप डिसाइड करेंगे कि आपने क्या पोस्ट करना है और कैसे पोस्ट करना है बड़ा एक जेनेरिक सा डिज़ाइन है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है यू सेलेक्ट द लोकेशन सो आई से सैलिस आटोमेटिकली कंटिन्यू नेक्स्ट हो जाएगा आ, किस तरह की पोस्टिंग जो है वो मैं ऑफ़र करना चाह रहा हूँ वो आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब इज़ समथिंग विच आई वॉन्ट टू पोस्ट मैं जॉब ऑफर्ड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा उसके बाद क्रेडिट लिस्ट मुझसे स्पेसिफ़िक कैटेगरीज पूछ रहा है कि किस कैटेगरी के अंदर मैं जॉब जो है वो ऑफ़र करना चाहता हूँ और ऊपर प्राइस भी दे रहा है कि जो एड मैं रन करना चाहूँगा उसकी एड के जेनेरिकली पैसे जो हैं वो कितने हैं फॉर uh, एग्जांपल मैं बिजनेस मैनेजमेंट की जॉब पे चाहता हूँ मैं पोस्ट करूँ कस्टमर सर्विसेज की जॉब है मैं पोस्ट करूँ तो मेरी जो टोटल है करंट वो बढ़ रहा है इट हैज गॉन अप टू नाइन्टी डॉलर्स अब क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन देन इट विल टेक मी टू द नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ आप पोस्टिंग टाइटल लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल सेल्स जॉब इन डेलिस गुड पे एन आवर्स स्पेसिफिक uh, लोकेशन आप यहाँ लिखेंगे पोस्ट कोड क्या है यूएस के अंदर पोस्ट कोड बहुत ज़्यादा मायने रखता है सो यू राइट पोस्टल कोड वह है उसके बाद में पोस्टिंग बॉडी है आप बेसिकली uh, क्या डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हैं यू एक्चुअली राइट इट यहाँ जो एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि ये बड़ा एक स्ट्रेट uh, फॉरवर्ड और जेनेरिक किस्म का ओवरव्यू आपको यहाँ देना होगा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा फिल्ज उसमें यूज़ नहीं कर सकते uh, अगर मैं वापस में क्रेजलिस्ट ही के पेज पे जाऊँ तो मैं अगर आपको एक ऐड एज एग्जांपल ओपन करके दिखाऊँ डिपार्टमेंट्स के ऐड में चलते हैं और इनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल इस एड पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ आप देखें तो एक टैक्स की फॉर्म के अंदर आपको ये ऐड जो है वो लिखी हुई नज़र आ रही है एंड दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली क्रिएट दी एड आप अपना टैक्स यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है फुल टाइम है पार्ट टाइम है कॉन्ट्रैक्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसके अलावा चंद और इन्फॉमेसन आपको दी हुई हैं कंपनसेशन यानी कि सैलरी आपने कितनी देनी है कंपनी का नाम क्या है ई एड्रेस कॉन्टैक्ट जो है uh, वो क्या होगा Uh, यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो क्रैक्स uh, लिस्ट ही का ई एड्रेस यूज कर रहे होते हैं अगर आपने अपना रियल ई एड्रेस दिखाना है यूज़र्स को तो यू कैन एक्चुअली शो ई एड्रेस अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज़ फ़ोन नंबर जो है वो अपना आप इधर दे सकते हैं एंड देन द लोकेशन एंड वंस यू हैव रिटन ऑल दिस इंफॉर्मेशन देन यू क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू बटन एंड इट विल टेक टू द लास्ट स्टेप इन ऑर्डर टू पोस्ट इट तो जैसे आप अखबार में एक इश्तहार देते हैं उसी तरीके से क्रैक्स लिस्ट एक ऑनलाइन अखबार है और इस पर इश्तार देने के लिए वो आपसे क्लासिफाइड ऐड के पैसे मांगता है और पैसे आप उस लिहाज से फिर दे रहे होते हैं एट टाइम्स इट इज़ वेरी चीप इन ऑर्डर टू पोस्ट एड्स ऑन क्रेज लिस्ट और चूंकि इसकी रीच बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से काफ़ी लोकल बिजनसेज इसको यूज़ कर रहे होते हैं कि रात दिन के हम अखबार के अंदर अपनी ऐड दें हम ऑनलाइन क्रैग लिस्ट में अपनी ऐड दे देते हैं दोस्तों इसको अपने तौर के ऊपर सर्च करें और हो सकता है इन द फ्यूचर फ्री लांसिंग वेबसाइट पर आपको कोई जॉब क्रेग लिस्ट की मिले और फिर वहाँ जाके आपको ये एटलीस्ट फीलिंग uh, नहीं होगी इन्फियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा कि जी हमें तो सॉफ्टवेयर का ये प्लेटफॉर्म का पता ही नहीं है आई यू हैव ऑलरेडी नोन क्रैक्स लिस्ट नाउ सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रिसीव द जॉब फील फ्री एंड बी कॉन्फिडेंट टू डू दैट जॉब